रखने का फैसला किया गया। हल्का बंदियों का बिल इसी इजलास में मंजूर कराया गया और इसके साथ साथ पार्लियामानी रहनुमाओं का जो इजलास हुआ उसमें यासीन हाशमी, हम आपसे जानना ये भी चाहेंगे, अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में 20 साल में सेंसस होना चाहिए कानून के मुताबिक, लेकिन हम देखते हैं पिछले 20 साल के बाद अब ये सेंसस हुआ था, मर्दमशुमारी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो अगर एक स्पेसिफिक हलके की बात की जाए, अगर उसके एदाद व शुमार पहले कुछ और थे अब कुछ और हैं, तो क्या अपोजिशन जमातों की जानिब से सवाल को रेस नहीं किया गया कि बतदरीज अब जो हल्का बंदियाँ हैं उसमें भी इजाफा होना चाहिए? कोई ऐसी अपोजिशन जमात थी जिसकी जानिब से इस सवाल को भी उठाया गया हो आज के इजलास में? जी बिल्कुल, इसी हवाले से आज MQM ने ये सवाल उठाया था कि मर्दमशुमारी में जो नई हल्का बंदियां की जा रही हैं उनको इस पर कुछ अभाम है और वो इस सिलसिले में जो है वो बाकायदा तौर पर एक दरखास्त जो है वो कल स्पीकर कौमी असेंबली याद आदक को दी कि उनके हल्के में जो मर्दमशुमारी की गई है वो जो फिगर दिए गए हैं उसके मुताबिक नहीं है। वो चाह रहे हैं कि दोबारा से मर्दमशुमारी उनके इलाकों में की जाए, जबकि आपको ये बताता चलूँ कि जुमे रात के सेशन में तरमीम करके सेनेट में ये बिल भेजेंगे, स्पीकर याद सादक का ऐसा कहना था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद यासीन हाशमी हमारे